आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सिलीगुड़ी से। आपका शुभ नाम? दीपू मंडल। यात्रा कब शुरू किए थे आप? हम लोग कल से। कल से? कल कितने बजे? कल 8 बजे से। कल 8 बजे सुबह या शाम? शाम को। पूर्णिमा तिथि हम लोग पकड़ रहे हैं तो पूर्णिमा। अच्छा, यात्रा में कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? कांवरिया पथ मौसम ठीक है, एकदम मौसम ठीक ठाक है ना? बारिश मिली है ना रास्ते में? मिली है। बोलते जाइए, बोल बम बोल बम। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। तो देख पा रहे हैं ना, अभी हम आपको दिखा रहे हैं मनिया से लेकर के आगे लेकर के जाते हैं कहुआ वाले क्षेत्र तक, दिखाते हैं कि किस प्रकार का अपडेट है। यात्रा देख रहे हैं ना, बिल्कुल धड़ल्ले से हो रहा है। और इधर जितना भी दुकान की तैयारी है ना, वो हो चुकी है और काफ़ी सारे कांवरिया यहाँ दुकान में रुके हुए हैं। तो फिलहाल हमें जो है ना, तेज़ी से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं जो है बालू में जो है ना रुक जाता है बाइक हमारा। तो फिलहाल जो है ना, कहीं कहीं तेज़ी से चलना पड़ता है। और हम दिखा रहे हैं बहुत सारे कांवरिया जा रहे हैं, और देवघर यात्रा में बहुत तेज़ी हो चुका है। देख पा रहे हैं ना, लगातार कांवरिया पथ का अपडेट आप तक मिलता जा रहा है। बोलबम का नारा देख रहे हैं, गूंजता जा रहा है। फिलहाल तो अभी तक सुनाई नहीं दिया, तो कैसे कह दिए हमने कि गूंजता जा रहा है, लेकिन गूंजता है कहीं कहीं बोलबम। और लगातार दिखाते जा रहे हैं। फिलहाल कहीं कहीं जो है ना, कांवरिया पथ जो है ख़राब हो जाता है, गड्ढा हो गया है बराबर ट्रैक्टर गाड़ी चलने से, क्योंकि काम करते टाइम बहुत सारे यहां पर गाड़ी गुजरते थे और उसी से जो है ख़राब हो चुका है। लेकिन वैसा नहीं हुआ है, बस कहीं कहीं जो है गड्ढा हो गया है। और लगातार आप सभी का डाउट था कि दुकान को लेकर के यहाँ पर देखें, लगातार दुकान दुकान बिल्कुल दुकान ही दुकान है। और आपको दिखाते जा रहे हैं वो अभी देखने ना, वैसा भीड़ नहीं है और जैसा मतलब होता है, तो वैसा भीड़ अगर हुआ तो समझ सकते हैं ना कि मैं इस रास्ते से उस वक्त बाइक से इतनी आसानी से नहीं जा सकता। उस वक्त मुझे भी पैदल चलकर दिखाना होगा कांवरिया पथ पर बोलबम। देख रहे हैं चलते चलते जो है ना, इतना थक जाते हैं कि मतलब बोलने में भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि जितना हम बोलबम का जयकारा लगाएंगे ना, उतनी पावर हमारे अंदर आएगी। और पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं ये कहुआ वाला क्षेत्र में, बोलबम 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 का जो है ना नारा चलता जा रहा है। और यहाँ से आगे देख रहे हैं ना, सिर्फ एक महिला कांवरिया, और इससे आगे अगर जाएंगे तो कितनी दूर पर देख रहे हैं वहाँ पर कांवरिया है। तो फिलहाल हम वहाँ जा कर के फिर से शुरू करते हैं आपको दिखाने का। और देख रहे हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ से फिर से भीड़ शुरू हो गई है। और कितने देख रहे हैं, बारिश कम हुआ तो गर्मी से परेशान है सभी कांवरिया, और बहुत ही गर्मी होने लगती है चलते चलते, क्योंकि चलने के बाद बहुत पसीना निकलने लगता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ढेर सारे कांवरिया, बोलबम बोलबम ज़ोर से बोलिए, बोलते जाइए बोलबम बोलबम। फिलहाल तो हमें एक पहचानने वाले बम मिल गए हैं, तो थोड़ा सा उनकी जानकारी लेते हैं। और देख रहे हैं बोलबम का नारा गूंज रहा है और बहुत ही तेज़ी से गूंज रहा है, बोलबम बोलबम बोलते जाइए बोलबम बोलबम। आप लोग कितने आदमी हैं? हम लोग 13 आदमी हैं। 13? और सभी निकल गए यात्रा में? निकल गए। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सिलीगुड़ी से। आपका शुभ नाम? दीपू मंडल। यात्रा कब शुरू किए थे आप? हम लोग कल से। कल से? कल कितने बजे? कल 8 बजे से। कल 8 बजे सुबह या शाम? शाम को। पूर्णिमा तिथि हम लोग पकड़ रहे हैं तो पूर्णिमा। अच्छा, यात्रा में कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? कांवरिया पथ मौसम ठीक है, एकदम मौसम ठीक ठाक है ना? बारिश मिली है ना रास्ते में? मिली है। तो बारिश में चलने में कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी? नहीं। बारिश हल्की हल्की मिल रही है या तेज तेज? तेज टाइम में थोड़ा बहुत तेज मिला था उस टाइम में। अच्छा, हम लोग रुक गए थे 1.5 घंटा जैसे रुक गए थे, उसका चलते हम लोग अभी कवर कर रहे हैं उसी का। अच्छा, मतलब जहाँ रुक गए थे उसका कवर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं लगातार चल रहे हैं, आपके साथी जा रहे हैं देवघर यात्रा में, तो आप कब आ रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में एक बार कमेंट करके बताइएगा। हर हर महादेव। और लगातार जो है दोस्तों, कांवरिया पथ पर अपना फैमिली मिलते रहता है, और हमारे YouTube फैमिली जहाँ मिले हम ना रुके ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने पूरा फैमिली को लेकर के बहुत ही एक्टिव रहते हैं कांवरिया पथ पर। और
और भी आगे हम दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं कहीं तेज चलना पड़ता है जैसे कि हमने बताया। और दूर दूर तक देख रहे हैं ना कि कांवरिया ही कांवरिया नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों सावन मेला शुरू हो गया है और भीड़ भी धीरे धीरे जो है ना बढ़ता जा रहा है। पूरा कांवरिया पर तैयार हो गया, इधर देख रहे पूरा वायरिंग चल रहा है, बिजली का काम हो रहा है, पूरा लाइट लगाया जा रहा है, आप सभी को अंधेरे में ना चलना पड़े इसकी तैयारी हो रही है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर वाला जो हमने दिखाया था कि वो मंदिर कैसा था और अभी देख रहे हैं कैसा है, इसको बिल्कुल लाइट कर दिया गया है, चमका दिया गया है और चकाचक कर दिया गया है। और आगे देख रहे हैं ना, ये रहा कौआ का बोर्ड। और फिर देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा शौचालय, निःशुल्क शौचालय। और बिल्कुल देख रहे हैं ना, लगातार ये दुकान वगैरह बिल्कुल चालू हो गए हैं, घर का जो है काम भी शुरू हो गया। यहाँ पर पता नहीं इतना सा रेत कैसे बच गया था, बालू, इसकी कोई जानकारी नहीं। और यहाँ पर देखना कितने सारे कांवर यहाँ पर रखे हैं। बोलबम बोलबम, कोई कोई जो है कांवरिया बहुत कम बोल पाते हैं क्योंकि थक जाते हैं। और इधर में देख रहे हैं ना, ये कहुआ वाला क्षेत्र में कितना बड़ा बड़ा दुकान तैयार हो गया है। यहाँ पर भी देख रहे हैं बहुत बड़ा बड़ा दुकान तैयार हो गया है। तो समझ सकते हैं ना दोस्तों, आप लोग का जो कंफ्यूजन था वो दूर कर रहे हैं। और आप सब चिंता ना करें और कांवरिया पथ पर बिल्कुल तैयार हो जाने के लिए हर्ष मरवाड़ी बासा देख रहे हैं, बोलबम बिल्कुल तैयार हो गया है। तो लगातार दिखाते जा रहे हैं। और यहाँ का ये देखिए कहुआ वाला जो मंदिर था, ये देवलोक ग्राम कहुआ वाला मंदिर देख रहे हैं किस प्रकार लाइटिंग हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। और ये वाला देख रहे हैं, ये वाला बड़ा दुकान बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, होटल एंड रेस्टोरेंट। और यहाँ का भी दुकान बनकर तैयार हो गया है। कांवरिया पथ पर देख रहे हैं बोलबम भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम दिखाते जा रहे हैं, यहाँ देखे दुकान में रुकने लगे, ठहरने लगे कांवरिया, अगर थक जाते हैं तो रुकेंगे ही। बगल में कांवर स्टैंड देखिए कितना बना दिया गया है और संख्या बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर पर्यटन विभाग देखिए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। तो समझ सकते हैं ना, सभी जगह तैयारी हो गई, ये शौचालय भी बिल्कुल तैयार हो गया, ये दुकान भी बिल्कुल तैयार हो गया। और यहाँ पर देखने यात्रा हो रही है, कांवरिया जो है मिलते जा रहे हैं। यहाँ पर ये दुकान की तैयारी हो रही है, लगातार जो है ना हम आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें ये कहुआ वाला डांडी आश्रम किस प्रकार है, ये भी बिल्कुल देख रहे हैं तैयार हो चुका है। यहाँ पर कुछ तो पोजीशन इनकी बढ़ा दी गई है और कांवरियों का जो है ना भीड़ बढ़ता ही जा रहा है और हम दिखाते हुए जा रहे हैं। तो दिखाए हमने पूरा कांवरिया पथ पर किस प्रकार भीड़ हो रहा है। और अभी हम देखे पहुँचे हैं डांडी आश्रम में, जो हमने पहले कभी दिखाया था कहुआ वाला। और यहाँ पर देखे हैं हम दिखाए थे चाचा बम को, जो कि पहले जा चुके थे सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा में, और ये सावन से पहले ही गए थे, जिसको हमने कुमरसार नदी में दिखाया था, हमें वहाँ पर पहचानने में आया था। क्योंकि हमने दिखाए उस वक्त देखे थे कि जो है वो अलग ही ड्रेस में थे, तो पहचानने में थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन हम पहचान ही गए थे। और यही चाचा जी थे जो गए थे देवघर यात्रा में, तो आज हम फिर मिले हैं और यही आश्रम वाले हैं। और सभी यहाँ पर डांडी आश्रम और बोलबम सभी की यहाँ पर सेवा अच्छे तरीके से की जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जय बाबा वैद्यनाथ।